हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़? यानी एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ पीरियडिक टेबल में रेगुलरली चेंज होती हैं पीरियड्स में और ग्रुप में, उन्हीं को हम कहते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट चेंज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन एटोमिक नंबर अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल आर नोन एज पीरियडिक प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट की जो पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर। और पीरियडिक टेबल में एटोमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी चेंज होता रहता है, इसलिए पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स वेरिएशन शो करते हैं। ये प्रॉपर्टी रेगुलरली चेंज होती हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में और टॉप टू बॉटम ग्रुप में पीरियडिक टेबल में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। क्या होती है एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यहाँ सीधे हाथ पे देखिए, एक एटम का डायग्राम है, इसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हम जानेंगे कि नॉन मेटालिक एलिमेंट के केस में एटॉमिक रेडियस क्या होती है। इन केस ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स द एटॉमिक रेडियस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हेल्ड बाई ए सिंगल बॉन्ड। दिस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनके केस में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम की न्यूक्लिया के बीच के डिस्टेंस का हाफ होती है। और न्यूक्लिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसा कि यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और इनकी जो न्यूक्लिया के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी का हाफ है वही कहलाता है कोवेलेंट रेडियस, यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं कि मेटालिक एलिमेंट के केस में एटॉमिक रेडियस क्या होती है। इन केस ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियस इज टेकन एज द हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम। दिस इज नोन एज मेटालिक रेडियस। यानी मेटालिक एलिमेंट के केस में दो नियरेस्ट एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं उसी का हाफ होता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, इसे हम मेटालिक रेडियस भी कहते हैं। अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को किस पे मेजर करते हैं? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, या हम यू कह सकते हैं 10^-8 सेंटीमीटर। इसको हम पिकोमीटर में भी नापते हैं, यानी एक पिकोमीटर होता है 10^-12 मीटर। अब हम जानेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। यानी जैसे ही हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और सबकी तीन शेल्स हैं। पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है प्रोटॉन के बढ़ने के कारण। जैसे हम सोडियम को देखें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। इसकी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए इसका साइज बड़ा है। मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 12 है, यानी सोडियम से एक ज़्यादा है, इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, जिसके कारण जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए इसका साइज कम है।
अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी आटोमोल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन है, इसलिए इसका न्यूक्लियर जो पुल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, इसलिए इसका साइज जो है वो मैग्नीशियम से छोटा है। सिमिलरली सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन की बात करें तो इनमें भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, इसलिए साइज इस पीरियड में डिक्रीज हो रहा है। हालांकि आटोमोस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन के बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट पीरियड में ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीजन क्या हुआ, यानी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द आउटमोस्ट शेल, एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका साइज जो होता है, यानी एटॉमिक साइज, वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो आउटमोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहती है, यानी उनका जो डुप्लेट है या ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है। अब हम जानेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप में। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसमें हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम मूव करने पर। जैसे कि हम लिथियम को देखें, लिथियम का साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर पुल है, यानी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका साइज छोटा है। सोडियम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ शेल लिथियम से ज़्यादा है, इसलिए जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए इसका साइज लिथियम से ज़्यादा है। पोटेशियम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ शेल 4 हैं, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस में और आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में वो कम है, इसलिए इसका साइज सोडियम से भी ज़्यादा है। इसी तरह हम टॉप से बॉटम जब मूव करते हैं किसी ग्रुप में तो एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। हालांकि प्रोटॉन के बनने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फिर भी इफेक्ट होता है नंबर ऑफ शेल के बनने का वो न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होता है, इसलिए किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब हम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे, इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म ए कैटायन। इसमें जो एनर्जी होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और इसकी जो ऐसा यूनिट में जो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं वो होती है किलो जूल पर मोल में। जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए हम इसको जब एनर्जी देंगे तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन ईजली रिमूव हो जाएगा और ये सोडियम कैटायन बन जाएगा। जैसा कि हमने पिछले पेज पर देखा था कि सोडियम का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब ये सोडियम का जो कैटायन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे, यानी इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा 2-8 होगा, और जो सोडियम कैटायन का जो पेरेंट एटम था
उसका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट क्या था, 281। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, इसलिए सोडियम का साइज जो है, यानी सोडियम कैटायन का साइज जो है वो सोडियम के पेरेंट एटम से कम है। हर बुक में आपको सोडियम का एग्जाम्पल ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे क्लोरीन है, इसका साइज जो है वो छोटा होता है, इसलिए जब हम इसको एनर्जी देंगे वो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्लोराइड का कैटायन बनेगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसी एनर्जी को जो हमने दिखाई है क्लोरीन के केस में और सोडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी वो एनर्जी जो किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम को कैटायन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम क्लोरीन को देखें तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 2, 8 और 7, लेकिन क्लोराइड आयन बनने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2, 8 और 6। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई, इसलिए क्लोराइड कैटायन के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन कम नहीं हुए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसलिए क्लोराइड आयन की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्लोरीन से कम होगी। सिमिलरली हाइड्रोजन है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, इसको हम जब एनर्जी देंगे तो वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता है, इसमें भी जो न्यूक्लियर पुल होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये कैटन बन जाएगा। अब यहाँ देखने की बात है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, इसलिए इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन के कैटायन जो है, यानी हाइड्रोजन आयन है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब हम जानेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। ग्रेटर द एटॉमिक साइज स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी एलिमेंट के एटम का साइज जितना बड़ा होगा, उसके न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इसलिए आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा आसान होगा, यानी कम एनर्जी देने पर ही आउटरमोस्ट शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स इजली रिमूव हो जाएंगे। इसलिए किसी भी एलिमेंट के एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, या यूँ कहिए कि उसको आयोनाइज करने में एनर्जी कम लगेगी। यहाँ पे रीज़न भी वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया है, यानी विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल्स इंक्रीजेस, हैंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन देम, एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि उसका साइज छोटा है, तो जो उसकी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या यूँ कहिए कि एलिमेंट के एटम को आयनाइज करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हमारा रीजन भी ये कहता है, विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल्स इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब हम जानेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियडिक टेबल में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड्स की, यानी पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पीरियड में हम अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी कम एनर्जी लगेगी एलिमेंट को एटम को आयनाइज करने में, और जितना छोटा साइज होगा पीरियड के एंड में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी एलिमेंट के एटम को आयनाइज करने में। अब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का जो इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होता है,
इसलिए जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही आसानी से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल होगा वो कम होगा आउटरमोस्ट शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे मैंने टेबल दी हुई है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। जैसे हम लिथियम की बात करें तो इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए इसके आउटरमोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में कम एनर्जी लग रही है, यानी सिर्फ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है। बेरिलियम की बात करें तो इसका साइज लिथियम से छोटा है, इसलिए इसमें जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने में 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे हैं। बोरॉन का साइज बेरिलियम से भी छोटा है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा है, ये एक्सेप्शन है, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। कार्बन का जो साइज जो है वो बोरॉन से कम है, इसलिए इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आयोनाइज होने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। यहाँ नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन है, इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जबकि कम होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के एटम का साइज नाइट्रोजन के एटम से छोटा होता है, ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर किसी भी पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। अब हमारी जो तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम इन द गैसेस स्टेट टू फॉर्म ए एनायन। यानी किसी एलिमेंट के एटम को अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एनायन में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेज़र करते हैं और ऐसे यूनिट में हम इसे किलो जूल पर मोल में मेज़र करते हैं। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। जितनी भी पीरियडिक प्रॉपर्टी हैं उनमें ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, इन पर ही सारी पीरियडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में जानें, यानी एटॉमिक साइज। स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी जिस एलिमेंट के एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी बड़ी होगी। हम क्लोरीन का एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन अगर हम उसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एनायन बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 और 7। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2, 8 और 8, यानी इसने नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। इसलिए जो एनर्जी निकली वो सबसे ज़्यादा निकली क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। क्लोरीन का साइज अपने पीरियड में सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। क्यों करता है, क्लोरीन का साइज छोटा है क्योंकि इसमें जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर साइन भले ही प्लस का लगा है लेकिन जो भी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि जो भी एनायन होता है उसका साइज क्या होता है, पेरेंट एटम के साइज से बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए जो क्लोरीन का एनायन है इसकी आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लेकिन प्रोटॉन 17 ही हैं जो कि पेरेंट एटम में भी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन उतने के उतने रहे, इसलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हुआ, इसलिए इसका साइज बढ़ गया। किसी भी एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। यहाँ पे रीजन दे रखा है हमने,
इन स्मॉलर एटम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर विच रिजल्ट इन द मोर रिलीज ऑफ एनर्जी। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं यानी न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी अगर किसी एलिमेंट के एटम का साइज छोटा है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए उसका साइज छोटा है। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो इजली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी या जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के एटम का साइज बड़ा होगा तो आटोमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं होगा इसलिए जो एनर्जी निकलेगी वो कम निकलेगी। रीजन क्या है इसका? ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन फॉर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैंस लार्जर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ भी एक्सेप्शन है नोबल गैस के केस में क्योंकि इनकी जो आउटमोस्ट शेल होती है नोबल गैस की वो कम्प्लीटली फिल्ड रहती है यानी इनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कम्प्लीट रहता है इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा लो रहती है। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड के बारे में जानेंगे पीरियड्स में और ग्रुप में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पीरियड में क्या होता है साइज लेफ्ट टू राइट मूव करने पे डिक्रीज होता है तो जिस एलिमेंट के एटम का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। सिमिलरली किसी भी एलिमेंट के एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो वो इजली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। इसीलिए अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एलिमेंट के एटम का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने पर क्या होता है न्यूक्लियर पुल जो होता है वो कम होता जाता है इसलिए आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी रिलीज करके गेन करते हैं इसलिए जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है। यहाँ इस टेबल में भी मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के केस में एक्सेप्शन है और नाइट्रोजन के केस में हमेशा एक्सेप्शन है। एक जनरल ट्रेंड देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर इंक्रीज होती है। अगली पीरियडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। जैसे हम HCl का एग्जांपल लेते हैं, HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इस तरह होता है। इसको हम बॉन्ड हटा के अगर हम इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ये डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का है और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है। ये दोनों मिलते हैं तभी एक बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ये बॉन्ड उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए जो बॉन्ड होगा ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। और डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज की बात करें तो ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों होता है ऐसा? जैसे जैसे किसी एलिमेंट के एटम का साइज
छोटा होगा उसमें जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होगी। और न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, या हम यूं कह लें कि एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्यों होगा? ड्यू टू द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर बढ़ती है और एटॉमिक साइज के बढ़ने पर घटती है। यानी अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे ये सेकेंड पीरियड है, इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है वो बढ़ रही है। यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और लिथियम की बात करें तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है और एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इसलिए क्या है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप को देख लें। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का साइज छोटा है यानी न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, इसलिए क्या है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट के एटम का साइज बढ़ता जाता है, इसलिए न्यूक्लियर पुल कम होता जाता है। इसलिए इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट रही है। यानी दोनों पॉइंट हमारे कवर हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इसका ये जनरल फॉर्म में देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी यानी मेटेलिक करेक्टर की। एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन आर कंसिडर्ड एज मेटल। यानी किसी भी एलिमेंट का एटम है अगर वो अपनी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है तो वो मेटल है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम का, इसकी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसी को लॉस करेगा तो ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा और पॉजिटिव आयन बनाने के बाद ये नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। यानी कोई भी एलिमेंट अगर वो अपनी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन करता है तो वो मेटल है। जैसे हम एग्जांपल देखें मैग्नीशियम का, अगर मैग्नीशियम अपनी आउटरमोस्ट शेल से दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम का जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था वो क्या था, 2, 8 और 2, और अब क्या हो गया, 2, 8। यानी ये नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन इसने अटेन कर लिया। कोई भी एलिमेंट जो अपनी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन करता है तो वो मेटल होता है। अब हम जानेंगे उन फैक्टर के बारे में जो मेटलिक करेक्टर को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। ग्रेटर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हैंस ग्रेटर इज द मेटलिक करेक्टर। यानी अगर किसी एलिमेंट के एटम का साइज ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। यानी जो एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसी एलिमेंट के अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की उतना ज़्यादा उसका मेटालिक करेक्टर होगा। इसमें जो दूसरा फैक्टर है जो मेटलिक करेक्टर को अफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी एलिमेंट के एटम का साइज अगर छोटा होगा यानी उसमें न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा आउटरमोस्ट शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में, इसलिए
उस एलिमेंट की टेंडेंसी कम होगी कि वो अपने आटोमोस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके और पॉजिटिव आयन बना सके, इसलिए उसका मेटेलिक करैक्टर भी कम होगा। अब हम बात करते हैं मेटेलिक करैक्टर का ट्रेंड पीरियडिक टेबल में। मेटेलिक करैक्टर इन पीरियड, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम पीरियड में बात करें तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होगा उतना ही मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करना ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए अगर आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे तो मेटल जो है तो एलिमेंट का एटम पॉजिटिव चार्ज आयन नहीं बनाएगा, इसलिए उसका मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। यानी लेफ्ट राइट हम पीरियड में मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। अब ग्रुप की बात करें तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब ग्रुप की बात करें तो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का जो साइज है वो बढ़ता है। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं उसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होता है। इसलिए जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, इसलिए आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। यानी किसी एलिमेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने की, इसलिए उसका मेटेलिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। यानी हम ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। एक्चुअली मेटल सी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि अपनी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन करते हैं। इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट से मतलब ये है कि ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल आर रिड्यूसिंग एजेंट। दिस मेक मेटल्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारी जो नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटेलिक करैक्टर। यानी एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। यानी एलिमेंट के एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो नोबल गैस के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये नॉन मेटल है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का आयन बन जाएगा, यानी NN बन जाएगा। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2, 8 और 6, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 8। यानी इसने भी नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लिया, इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर की जो अफेक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर। एटॉमिक साइज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द न्यूक्लियर पुल एंड टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड हैंस ग्रेटर इज द नॉन मेटेलिक करैक्टर। यानी किसी एलिमेंट के एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में, इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को ईजली गेन कर लेगा, जिसके कारण उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। या यूँ कहें कि किसी एलिमेंट का साइज छोटा होगा तो उसके न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो इजली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नॉन मेटल है। अब हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक करैक्टर का ट्रेंड। नॉन मेटेलिक करैक्टर
इन पीरियड। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीरियड्स में क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, और अगर साइज बड़ा होगा जैसा कि पीरियड के पहले एलिमेंट के एटम का होता है उसकी टेंडेंसी उतनी कम होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यानी अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने के साथ साथ एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसलिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। अब हम ग्रुप की बात करें तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है बढ़ता है, यानी एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अब हम जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ज़्यादातर नॉन मेटल ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आटोमोस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं। यानी एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस मेक्स नॉन मेटल्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे आप पीरियोडिक टेबल को ईजिली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसको नहीं लेंगे, सिर्फ हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही याद करेंगे। तो ये जो पहला ग्रुप है इसको याद करने का तरीका ये है कि हैरी, लीना, के, रविंद्र और चंद्रशेखर फ्रेंड। यानी हैरी और लीना, के, रविंद्र और चंद्रशेखर फ्रेंड। दूसरा ग्रुप है, इसको याद करने का तरीका ये है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यानी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये थोड़ा फनी तरीका है लेकिन आप याद करने से मतलब रखिए। थर्ड पीरियड को याद करने का तरीका ये है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। फोर्थ पीरियड को याद करने का तरीका ये है चांदनी, सीता, गीता, संध्या, प्रभा। यानी ये लड़कियों के नाम पे है, चांदनी, सीता, गीता, संध्या और प्रभा। फिफ्थ ग्रुप को याद करने का तरीका है नागालैंड, पंजाब, अमृतसर, सिकंदराबाद, बिहार। आप यहाँ नागालैंड की जगह नागपुर भी कर सकते हैं, नागपुर, पंजाब, अमृतसर, सिकंदराबाद, बिहार। अगर आप सिकंदराबाद भूल जाएं तो आप हैदराबाद याद कर लेना, उससे आपको सिकंदराबाद अपने आप याद आ जाएगा। सिक्स ग्रुप को याद करने का तरीका यह है ऑपरेटिंग सिस्टम से टीपो। टीपो मतलब नकल कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम से टीपो। सेवन्थ ग्रुप को याद करने का तरीका है फास्ट, क्लेवर, ब्रेन, इंक्रीज, एटीट्यूड। फास्ट, क्लेवर, ब्रेन, इंक्रीज, एटीट्यूड। या दूसरा तरीका भी है फिर, कल, बाहर, आई, आरती। और ये लास्ट ग्रुप है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं इसलिए इनको आप याद ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल से ही आप प्रॉपर्टी को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है,
और ये थर्ड ग्रुप है। आप यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए मिस्टर, और यहाँ पे लिख लीजिए नो, यानी मेटल्स आर रिड्यूसिंग एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स में कौन आते हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है यानी बोरॉन, ये क्या है? मेटलॉइड है, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों में आता है। अब हम एलिमेंट की ऑक्साइड की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की जो ऑक्साइड होती हैं, या यू कहो कि सभी ग्रुप की जो ऑक्साइड होती हैं उनको याद करने का तरीका ये है, आप यहाँ पर लिख लीजिए एम बी ए, यानी मेटल्स आर बेसिक्स और एम्फोटेरिक, यानी मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक होती हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक और न्यूट्रल होती हैं। नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक और न्यूट्रल होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये जितनी भी गैसेस हैं ये एसिडिक हैं। और यहाँ देखें लिथियम की ऑक्साइड यानी Li2O, Na2O, MgO, BeO और Al2O3, B2O3, ये सब क्या है? बेसिक हैं और एम्फोटेरिक भी हैं। अब रिएक्टिविटी की बात करता हूँ। रिएक्टिविटी क्या होती है? अगर किसी भी एलिमेंट का एटम मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करके या गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेंड करता है तो वो रिएक्टिव है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, इनकी आउटमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इसको लॉस्ट कर देंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर लेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर हेलोजन की बात करूँ तो इनकी आउटमोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेंगे, इसलिए इनकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इनके एलिमेंट के एटम को दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं तब जाके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप से कम होती है। थर्ड ग्रुप की बात करें तो इनकी आउटमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से कम होती है। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो ये चार इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर सकते हैं, या चार इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर सकते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन हम नाइट्रोजन ग्रुप में जाएं तो नाइट्रोजन ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या है? 3 है, यानी इसको नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बन ग्रुप से ज़्यादा है। सिमिलरली ऑक्सीजन के आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर लेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 2, जिसी कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेवन्थ ग्रुप एलिमेंट हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट और ऑक्सीजन ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। बोरॉन और नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है वो पहले दूसरे और छठवें और सातवें ग्रुप के एलिमेंट से कम होती है, और सबसे कम कार्बन की होती है। आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।